हेलो एवरीवन, आइए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं लिमिट चैप्टर से, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो कॉसेक माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तब क्या करेंगे, सिंपल सा है, जब भी कुछ ना बुझाए ना तो क्या कीजिए, आप सीधा साइन एंड कॉस में बदल लो। जब भी जहाँ भी दिक्कत हो साइन एंड कॉस में बदल लो। तुम देखो क्या कर लोगे, यहाँ पे हमने कॉसेक एक्स को क्या लिख लिया, वन अपॉन साइन एक्स, माइनस कॉट एक्स को क्या लिख लिया, कॉसेक अपॉन साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ तक आई थिंक सब कुछ समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं किया है। देखो बच्चों, कॉसेक को तुम लिख सकते हो वन अपॉन साइन, माइनस कॉट को लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, राइट। नेक्स्ट देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया कि अब एलसीएम ले लो, तो हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है ना, वहाँ पे हमारे पास क्या था, वन कॉसेक था ना, तो वन अपॉन साइन एक्स था, सो वन अपॉन साइन एक्स हमारा नीचे चला गया, ठीक है। एंड यहाँ भी साइन एक्स था ना, तो दैट इज आई थिंक आपको पता होगा क्या था हमारे पास, वन अपॉन साइन एक्स था माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स था, कॉट एक्स था ना, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, राइट डिवाइडेड बाई यहाँ पे नीचे में। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा हमारे पास, वन माइनस कॉस एक्स के ऊपर में साइन एक्स नीचे चला गया, और नीचे एक्स स्क्वायर था, तो एक एक्स को हमने क्या किया, इसके साथ रख दिया, ठीक है। आई थिंक ओनली एक्स ही था, नॉट एक्स स्क्वायर, एक मिनट, यस ओनली एक्स था बच्चे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स है, सो हियर एक्स, एक्स लिख लो ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मुझे एक साथ एक्स लिखा। अब क्या हुआ कि मुझे इसको साइन एक्स को हम वन बनाना चाहते, तो मुझे एक्स नीचे में चाहिए होगा, इंटू एक्स कर दो, ये तो बन चला गया, ये हो गया हमारे पास वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब आई थिंक पीछे क्वेश्चन में किया था हमने, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, टू साइन स्क्वायर एक्स, एक्स का वैल्यू सीधा हाफ हो जाता है, लेकिन निकालना चाहो तो निकाल लो, दिस इज टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर मुझे एक्स बाई टू का होल स्क्वायर किया और टू का हमने फोर कर दिया। तो देखो ध्यान से फिर से, ये जो हमारा वैल्यू है, दिस बिकम्स वॉट, वन, तो वन अपॉन फोर कितना हो जाएगा आंसर, टू। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। Thank you very much for watching this. We will meet in the next video. Thank you, बच्चे.